आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंद्रा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय भारत 24x7। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 56 स्थित B10 कैफे में, जहां आज हम कुछ खास जो है रेसिपी यहां देखने वाले हैं, जो हमारे मास्टर शेफ जो है यहां पे मौजूद वो बनाएंगे। और चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं उनसे और बात करेंगे, जानेंगे चीज़ों के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आज आप क्या खास बनाने वाले हैं? मैं यहां पे जो रेस्टोरेंट है हमारे मिस्टर अमन जी उनके पास आया हूं, और उनके यहाँ की स्पेशल चाय है मटका चाय। और मटका चाय कैसे बनती है वो आपको दिखाते हैं हम लोग। जी तो चलते हैं, फिलहाल हम देखते हैं कि जो यहाँ पे मटका चाय जो स्पेशल है वो किस तरह से बनाया जाता है। आइए। छोटा ही सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना, तो नए टेक्निक्स और डिजाइन का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर तो कॉन्टैक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है चाय बनाने के जो किचन है यहाँ पे एक छोटा सा, और यहाँ पे जो है मटका चाय बनाया जाता है। और आज हम देखेंगे साथ लाइव कि कैसे बनाते हैं, साथ ही जो हमारे दर्शक है वो भी इसे अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो आज क्या क्या इसमें डलता है सर, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जरूर, ये मटका चाय यहाँ की खास चाय है और यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर भी है। और ये खास के इसलिए कि ये मिट्टी के बर्तन में ही दिया जाता है, कूलर में बनाया भी जाता है मिट्टी के बर्तन में। देखिए दूध है उबल रहा है इसमें मिट्टी के बर्तन में, इसको स्लो हीट पे ही बॉइल करा जाता है दूध को। और इसके बाद पानी भी इसी में ही मिट्टी के बर्तन में ही डाला जाता है और जो उबाला जाता है। और इन्होंने क्वांटिटी जो आपको पहले ही बता दी है हमारे यहाँ के अमन जी ने कि इनकी चाय पत्ती हाँ प्रिपेयर इन्होंने पोषणी कर रखी हुई है, ठीक है भाई, कितने आधा किलो दूध में कितनी चाय बननी है ये पोषणी कर रखी है चीनी और पत्ती की। और इनका जो खास स्पेशल क्यों है, क्योंकि देसी स्टाइल से यूज़ कर रहे हैं, कोरोना का टाइम तो निकल चुका है पर इन्होंने फिर भी सेफ्टी के लिए ये स्पेशल चाय मटके की बनाई है। उसमें ये ग्रीन कार्डमम ले रहे हैं और क्लोव ले रहे हैं और जिंजर ले रहे हैं। और ये बच्चा यहाँ पे स्पेशल चाय बनाने में मास्टरी करी है इसने। तो बेटा क्या नाम है आपका? अरविंद। तो चाय कॉफ़ी सारा तो पेंट्री सेक्शन का ये मास्टर है। तो बेटा ये बनाना स्टार्ट करें और दिखाएं। बिल्कुल, तो हम बने रहिए हमारे साथ और हम देखते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ ये मटका चाय जो हमारे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशल है, और जो घर पे आप चाहते हैं, अब घर पे हम देखते हैं कि स्टील के बर्तन में या फिर और भी जो कुछ जितनी नए नए चीज़ें जो है तकनीक जो हो रहे हैं इस्तेमाल में उन चीज़ों में बनाया जाता है, लेकिन यहाँ आपको फिर से एक बार जो पुराने मटका चाय हैं मिट्टी के बर्तनों में बने चाय वो आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं फिलहाल कि किस तरह से बनाई जाती है। एक तो क्या खासियत क्या है कि मिट्टी के जो पुराने तरीके थे उसमें टेस्ट अच्छा आता था। आपने देखा होगा हांडियों में ही दाल बनाते थे, सरसों का साग बनाते थे। हमारी लेडीज़ जो घरों में पुरानी हैं वो पुराने स्टाइल से अभी भी बनाती हैं, उसका टेस्ट अलग है। पर अभी हमारे लोग जो हो गया फास्ट लाइफ हो गई है तो वो अल्मोनियम के बर्तनों में चाय बनाते हैं, तो वो मोस्टली अवॉइड करें। अल्मोनियम के बर्तनों में साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हो जाते हैं,
इन्फेक्शन होते हैं। तो अल्मोनियम के बर्तन में चाय वगैरह या दूध वगैरह मत बनाए, ठीक है। कॉपर के बर्तन में बना सकते हैं आप या मिट्टी के में। तो बेटा स्टार्ट करिए। द रिवर डेल होटल आपको दे रहा है तमाम फैसिलिटीज, जैसे डीलक्स रूम, प्रीमियम रूम और बेसिक रूम, 24/7 सर्विस, नीट क्लीन और हाइजीनिक वॉशरूम, करेंसी एक्सचेंज, ब्रेकफास्ट इन द रूम। तो अगर आप भी द रिवर डेल होटल में स्टे करना चाहते हैं और समय भारत की तरफ से आप SB001 कोड यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। सबसे पहले इसमें क्या डाला है आपने? सुबह चाय चीनी पत्ती डाल दी, चाय पत्ती और जो चीनी का वो पड़ा हुआ था। और ये कूटिए इसको, ये अदरक और इलायची ग्राइंड करेंगे। तो देखा आपने कि पहले जो है पानी को इन्होंने चूल्हे पे डाला है और उसके बाद उसमें जो चाय पत्ती और चीनी जो है वो डाला। इसके बाद जो है यहाँ पे अदरक जो कि चाय के मसाले होते हैं उसको जो है यहाँ पे ये ग्राइंड करके डाल रहे हैं। अलग से मतलब रखा है गर्म होने को और पानी अलग। ओके, तो मिक्स है। ओके, तो पानी के साथ जो मसाला है वो पहले जो है उसको खौलाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। साथ ही इन्होंने दूध जो है वो अलग रखा है, जो उबाल आने तक इसको अलग चूल्हे पर चढ़ा रखा है। साथ ही एक तरफ पानी जो कि दोनों मटके में ही तैयार किया जा रहा है। लगभग कितने देर में तैयार हो जाता है? 8-4 मिनट लगते हैं मैम। मतलब चाय तैयार होने के 7-8 मिनट। तो देख सकते हैं आपकी जो हमारा दूध है वो पक चुका है और अब जो ये मसाले वाली जो पानी इन्होंने तैयार की है उसमें दूध को जो है वो डालेंगे। दूध को आपने कितने देर पकाया? इसको 5 मिनट। 5 मिनट पानी आपका मसाले वाला तैयार है, अभी आप इसको इसमें डालेंगे। ओके, चलिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ कि ये जो मटके वाली चाय है किस तरह से स्पेशल तैयार की जाती है। ये आपने एक्स्ट्रा दूध रखा है या फिर जो जितनी चाय बनानी थी उसके अकॉर्डिंग? एक्स्ट्रा, तभी इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे डाल दें। ओके जी, देख सकते हैं आपकी जो अभी से ही देखने में काफ़ी लजीज लग रहा है ये चाय जो है, इसकी जो उफान जो इसकी आ रही है चाय की मटके सी, वो काफ़ी ज़्यादा जो है देखने में अट्रैक्टिव लग रही है। और जाहिर है कि अगर इतना खूबसूरत देखने में तो स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा होगा। तो चाय हमारा तैयार हो चुका है और इसी के साथ हम आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कि ये चाय जो है स्वाद में कैसा है, क्या ऐसी खास चीज़ें जो बाकी चाय से इस मटके वाली चाय को अलग बनाती है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं हमारा चाय बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी इसे सर्व किया जा रहा है और फिर हम टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। चाय बहुत ही देखने में खूबसूरत लग रहा है और जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो बनके इसका रंग वगैरह सारी चीज़ें काफ़ी खूबसूरत है। तो ये जाहिर सी बात है कि ये देखने में भी जो जाहिर सी बात है कि ये टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो स्वादिष्ट होगा। फिलहाल हम आपको थोड़ी ही देर में बस टेस्ट करके बताने वाले हैं, जो हमारे मास्टर शेफ़ इंटरनेशनल मास्टर शेफ़ राजेश जी हैं उनको भी टेस्ट कराएंगे और वो फिर आपको जो है इसके बारे में बताएंगे। समय भारत लेकर आ रहा है आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको घर बैठे देश के हर कोने से बेस्ट होटल एंड रिजॉर्ट की तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएगा, जिसमें आप घर बैठे अपने पसंदीदा जगह के लिए होटल एंड रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं और होटल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको देंगे। आप हर बुधवार और शनिवार दोपहर 3 बजे और शाम 7 बजे समय भारत 24/7 पर देख सकते हैं। अभी हम लोग इसे टेस्ट करने वाले हैं और बताएंगे फिर आपको जो इसकी खासियत है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे इंटरनेशनल शेफ राजेश सर के पास। सर, ये टेस्ट करें और आप बताएं कि जो ये चाय है कैसा है जो बन के तैयार हुआ है। ये बाकी जो सबसे इम्पोर्टेंट ये देखिए ना, मिट्टी की जो कुल्हड़ है उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, पहले ही उसकी खुशबू आ रही है। और जो इलायची का फ्लेवर है, इलायची, लौंग, अदरक का यहाँ तक फीलिंग आ रही है कि कितना अच्छा होगा टेस्ट इसका, वो पी के बताते हैं। और मेरे साथ मेरे भाई अमन जी ये भी टेस्ट करेंगे। जी जी सर,
मैडम आप भी टेस्ट करिए। जी जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये मैं कैमरामैन के लिए छोड़ देता हूँ। बिल्कुल। तो सर कैसा लगा आपको ये चाय? वेरी गुड, जैसे घर जैसा टेस्ट होता है वैसे ही इन्होंने दिया है, और फ्लेवर्स वाइज क्योंकि दूध का भी अच्छा टेस्ट आ रहा है, प्रॉपर आपने भी पी है, आप समझ सकते हैं क्या फीलिंग है। सर आप बताएं, आप तो यहाँ हैं और खुद तैयार कराते, तो आप तो रोज़ इसका जो है स्वाद चखते होंगे, और जब ग्राहकों को आप जो है ये सर्व करते हैं, फिर आपको कैसा लगता है जो वो तारीफ करते हैं? एक्चुअली जो पहली बार पीता है और एक जो डेली पी रहा है, हम कस्टमर को समझने की कोशिश करते हैं कि हर आदमी मीठा कम नहीं पीता, जो चाहे वो मीठा कम है लेकिन जो स्पाइसेस है मसाले हैं वो पूरे एग्जैक्ट हैं, तो उसी के लिए हमने मीठा कम वाले के लिए तो ये परफेक्ट है, उसको तो इससे अच्छी चाय मिल नहीं सकती। बहुत बार तो ये रिव्यू आता है कि ऐसी चाय कोई पी नहीं, और जिसको मीठा तेज़ है वहाँ हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके लिए हमने शुगर चासीज रखे हुए हैं, हम उसको शुगर चासीज देते हैं, वो भी बहुत खुश होता है क्योंकि जो मसाले का कॉन्टेंट है जो बैलेंस है वो बहुत बढ़िया है, और मीठा डालने का कम और ज़्यादा वो एक प्रॉब्लम आती है हमें, उनको ये लगता है कि क्योंकि देखो जाहिर सी बात है जो मीठा ज़्यादा पिएगा उसको नहीं अच्छी लगेगी, और मैं मीठा तेज पीता हूँ और मुझे ऐसी ब्लैंड चाय मिले, ये उसके लिए ब्लैंड है, पर जिसको जो चाय लवर है और मीठा कम लेता है इससे ऊपर चाय नहीं हो सकती। द होटल इंदिरा निकुंज आपको देता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम फैसिलिटीज लाइक सुपीरियर रूम, प्रीमियम रूम, फैमिली सुइट, हनीमून सुइट, एयर ड्रॉप एंड पिकअप फैसिलिटीज, करेंसी एक्सचेंज, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, स्पा फैसिलिटीज, ब्यूटी पार्लर, एलर्जी फ्री रूम, कार हायर, रेस्टोरेंट, लाइव म्यूजिक, योगा, कॉफी हाउस, उसके अलावा वेडिंग प्लान, सेरेमनी, हल्दी, मेहंदी, सभी तरह के फंक्शन इवेंट्स आप बुक कर सकते हैं। तो अगर आप भी द इंदिरा निकुंज होटल में स्टे चाहते हैं तो कूपन नंबर SB001 का इस्तेमाल कर आप समय भारत के माध्यम से डिस्काउंट पा सकते हैं। कि जो यहाँ हमारी मटके वाली चाय थी वो काफी मजेदार है, और हम सबने उसका स्वाद चखा है जो कि बहुत ही लाजवाब, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके सबके थ्रू मैं ये आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, और ये मेडल भी पवन जी आप रहिए इसको, ये समय पास की तरफ से हमारे सामने। इसी तरह की तमाम जो रेसिपी है उसके लिए फॉलो करते रहिए हमें, देखते रहिए समय भारत 24x7। आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल।